ये तो क्या बोल रहा है? वो अभी तक जिंदा है? मैं आ रहा हूँ। ये तो बढ़िया है यार। दोस्त ऐसे ही है, खुश होते तो बहुत नाचते हैं, दुखी होते तो दारू पीते हैं। देखा देखा, तुम भी हंस पड़ी ना, यही हम लोगों की स्पेशलिटी है। तो ऐसी बात है, तो चलो यार, चलो 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 चलो। ए ए आना, ये है सिग्नल। सिग्नल ज्यादा, आवाज कम। ये है रैम्बो, हाइट कम। ये करता कम बोलता ज्यादा है, चुप रहना। ये है रघु, एक्टर बनना चाहता है। जब देखो तब अच्छे कुमार का स्टाइल मारता है, चुपचाप कर बैठना। पैसे वाला है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। दिखाओ क्या भाई, चल बैठ बैठ जाओ। ये जीके हमारे गैंग में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। कहाँ तक पढ़े हैं? सातवीं कक्षा में। 7 साल पढ़ा है। चल बैठ। क्यों तुम्हारी नहीं है? भूख लगी होगी इसे। अभी को भूख लगी। मिनट, आए चंगी कबाब लेके आना जल्दी। मैं नॉनवेज नहीं खाती। नहीं खाती? ये छोटू चाय लेके आना। भाभी ऑर्डर देंगी तब लाऊंगा। ऑर्डर दो, 6 कप चाय लेके आओ। नहीं 6 कप चाय लेके आइए ना। तो फिर कैसे बोलो? जैसे बोलना वैसे बोलो। अरे ओ वेटर, 4 चाय ला एकदम स्पेशल। अच्छा समोसा ला चटनी मार के। ए चाचा, 6 चाय लाओ साथ में समोसा चटनी मार के। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है ना। अच्छा चलो चलते हैं। कहाँ? मेरे घर पे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरी माँ के हाथ का बना खाना खाओगी ना, उंगलियाँ चाटोगी। आओ। सीधे सीधे चलो। माँ माँ बाहर आओ। चलो ना। ऐसे क्या देख रही है? अमेली की बेटी है। अरे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? इंदु। पहली बार घर पे आई हो, दाया पैर रखकर अंदर आओ बेटी। वाला एरिया है, मक्खी घुस जाएगी, मुंह बंद करो। हाँ बंद तो करूंगा, लेकिन तुमने जो किया सही नहीं किया। क्या दाया पाव रखे जो अंदर गई वो? पहले बोलते तो बाया पाव रखवा देता। अरे हट, ये बात नहीं है। उस लड़की को अपनी माँ से मिला दिया, मुझसे मिलाया क्या? कैसे मिला था? ओहो, मैं भी तेरे एरिया का हूँ ये मत भूलना। लेकिन आपने तो 2 शादी की है ना? हाँ की है, तो क्या हुआ? उसे पता चलेगा तो वो डर जाएगी, कहीं मैं भी 2 शादी ना कर लूं। बाबूजी, अरे पहले क्यों नहीं मिलवाया? मिलाया तो तुम वो बात जान जाओगी सोच के। कौन सी बात? कोई खास नहीं बेटी, दरअसल जिन हालात की वजह से मैंने वो कदम उठाया। इसने पूछा क्या? तो क्यों बक रहे हो? बोलने से तसल्ली मिल जाएगी ना। अभी टाइम है। चाय पियोगी बेटी? खाना खाऊंगी आंटी, आपका बनाया खाना अमृत समान होता है, आपके बेटे ने कहा। 2 मिनट में तैयार कर देती हूँ बेटी जी। दूसरी बार मैंने ये क्यों किया पूछो तो बात ये है कि मैं जो पिताजी दूसरी बार कह रहे हैं, वो 2 बार खाना खा चुके हैं, अब तुम ही खाओ बोल रहे हैं। बाप रे, ये कैसा है? अच्छा है, खाओ। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। ये मसूर की दाल है, मिलाओ बेटी। बस आंटी संभल के, गर्म है। Thank you.
तुम्हारी याद क्यों बनाई बेटी? देखो ज्यादा आंटी। एक मिनट पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। इस घर में फीका थोड़ा ज्यादा रहता है बेटी। सिर्फ देखा ही नहीं, सब कुछ ज्यादा है, अपनापन भी। लेकिन तुम्हारे सामने हमारा बेटा हैसियत में कम है, ये जानकर ही प्यार किया है ना तुमने? असल में मैं आपके बेटे का नाम तक नहीं जानती आंटी। नहीं जानती? जाने बिना ही प्यार किया? प्यार करने के लिए नाम जानने की जरूरत नहीं है, दिल को जानना ही काफी है। ऐसा है तो मेरे साहबजादे का नाम बताओ। बताओ। लीलावती, ओए मायावती, ममतावती, भजनलाल। हाँ? देवीलाल, किशनलाल, काशीलाल, चमनलाल। थोड़ा रूट चेंज करो बेटी। हाँ जितेंद्र, धर्मेंद्र। हाँ राजेश खन्ना। ये सब बूढ़े हो चुके हैं बेटी, पुराने हीरो लोग। चल गया। बता दूं, बता दूं। रवि, ये खत तक करीब आ चुकी हो बेटी। हाँ किरण, ये हुई ना बात। किरण का बाप कौन हो सकता है सोचो। थोड़ी कोशिश करो। राठौड़। वो नहीं, किरण कुमार का बाप। जीवा। हाँ उसमें से ना निकालो। जीवा। हाँ ये है जीवा। नवीन कुमार। अब मैं खेलूंगी। खेलोगी? ले खेलो। मस्त। पीछे से बैठ। लगाएगा? लगाएगा? बोल बोल, लगाएगा? लगा। अरे ये क्या शोर मचा रहे हो? जब देखो कंचा खेलते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कहाँ है कंचा? जल्दी दो। अब क्या कहते हो? हेलो, तुम क्या मुंह खोल के खड़े हो? ये महुआ वाला एरिया है, ज्यादा खुला रखोगे तो मुंह में मक्खियां घुसेंगी। किसको मारूं बता? दूसरी वाली। दूसरे से मुझे याद आया बेटी, बात दरअसल ये है कि उसने पूछा क्या टाइम हो रहा है, मारो। अल्लाह के नाम पे आठना दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे आठना दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे आठना दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पे आठना दे दो बेटा। फकीर बाबा, मैं बचपन से नहीं देख रहा हूँ, बाबूजी से आठने लिए बिना ये कहीं नहीं जाते। कौन? ये इंदु है बाबा, एमएलए की बेटी। अपने जीवा की दोस्त है बाबा। जीवा की दोस्त? जी। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम सबका भला करेगा। बाबा। पतंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए, ये कटी पतंग फ्री में है। फ्री में? हाँ। फ्री में कटी पतंग कहाँ मिल रही है? बताओ। हाँ। अरे कहाँ बताओ? पकड़ लिया, सुबह से बिटुआ पतंग पतंग करके मेरी जान खा रहा है। फ्री में मिल गई इसीलिए अच्छी है, नहीं तो मेरी जेब का दीवार निकल जाओ। क्यों भाई, क्या बात है? पतंग चाहिए? बिल्कुल नहीं दूंगा। दक्षिणा मंत्र पढ़ने वाले की होती है, पतंग पकड़ने वाले की होती है। अरे ओ पंडित जी, एक बार जरा नीचे तो देखो। अरे नहीं देखूंगा, हमारे खानदान में आज तक किसी ने सर नहीं झुकाया। पैदा होते ही सर उठा के ऊपर ही देखते हैं। अरे बिटवा, बहुत बढ़िया पतंग मिली है। अरे भाई, अगर ये नीचे गिर के मर गए तो हम लोग की शादी कौन करेगा? आ जाओ।
बैल की तरह जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो माँ को क्यों बुला रहा है? गधे की औलाद, आखिरी बार देख ले। आखिरी बार क्या है? कोई बोलता है कि नीचे देखो और तू बोलता है कि माँ आखिरी बार देखे। तुम लोगों को पागल कुत्ते ने कहता है, दिमाग फिर गया क्या? अरे पतंग लेके चुपचाप नीचे आना। अरे ये क्या, बाजू से आने वाली आवाज नीचे से आ रही है? बाबा पतंग उड़ गई है, पकड़ लो। क्यों मैं इस पोजीशन में मैं पतंग की फिक्र करूं? ससुर के नाते अब पतंग पकड़ने की कोशिश की तो यमराज मेरी गर्दन पकड़ लेगा। बाप रे, अबे सुबह से पतंग पतंग कह के मुझे पतंग की तरह हवा में उड़ा लिया। कहने का मतलब पंडित जी का राम ना सकते हैं, नीचे गिर गए तो जरूर मर जाएंगे। ये पंडित जी, अरे बाप रे, पंडित जी आप परेशान मत होइए। क्यों परेशान ना हो? अबे शनिघर की औलाद, तू यहाँ खड़ा रहेगा तो पता चलेगा। अबे मेरी धोती गीली हो रही है। तुम अपनी धोती निकालो पंडित जी। भाई धोती क्यों निकालूं? अरे जाइया तो पहना है ना। अब वो तो है लेकिन धोती क्यों निकालूं? धोती को पाइप में फंसा के लटक कर नीचे आ जाओ। पाइप में लटक के नीचे आ जाऊं? अबे ओए, मैंने मंत्र पढ़ के जिंदगी गुजारी है, सर्कल में कभी काम नहीं किया। मैंने